24 जनवरी सन 2024 सर्दियों की एक सुबह जिसमें लाहौर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से धुंध में डूबा हुआ है और उस दिन मेरे एक करीबी दोस्त को लाहौर से कराची का सफ़र करना है जो कि कराची से आगे सऊदी अरेबिया मुलाजमत के हसूल से जा रहा है और 26 जनवरी को सुबह 7 बजे उसकी फ़्लाइट है। मगर 25 तारीख को दोपहर 3 बजे से पहले अपने ट्रैवल एजेंट को मिलकर एग्रीमेंट साइन करना है। इस दौरान 24 जनवरी को कराकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस या पाक बिजनेस एक्सप्रेस पर रवाना होने से लेट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने उसे टूडोंग खैबर मेल पर लाहौर से कराची जाने का मशवरा दिया जो कि आज तकरीबन 3 घंटे लेट आ रही है। लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन्स जिनमें कराकरम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस जैसी बेहतरीन ट्रेन्स हैं, ये 2 ही रेक्स के साथ चलती हैं। जो रेक कराची से लाहौर आता है वो 4 घंटे मेंटेनेंस करवाने के बाद वापस कराची जाता है, इसलिए अगर ट्रेन कराची से ही लेट आए तो वापसी लाहौर से ऑटोमेटिकली लेट हो जाती है। इस सिलसिले में जो भी इंसान फंसता है वो बहुत ज़्यादा ख्वार हो जाता है, तो बेहतर यही है कि जब ये ट्रेन्स लेट हों तो इन सारी ट्रेन्स को अवॉइड किया जाए और अवाम एक्सप्रेस और खैबर मेल जैसी ट्रेनों को प्रेफर किया जाए क्योंकि इनका अपने एंड स्टेशन पेशावर और कराची में 10 से 12 घंटे का स्टे है। ये अगर 5 घंटे लेट भी हो जाएं तो इन्हें मेंटेनेंस के लिए 4 घंटे ईजीली मिल जाते हैं और ये राइट टाइम वापस रवाना हो जाते हैं। आज खैबर मेल 3 घंटे लेट आ रही है, इसी दौरान अवाम एक्सप्रेस की पावर चेंज हुई, ZCU-30 लीड से हट गया और G20 ने चार्ज ले लिया, अब उसकी कपलिंग हो रही है। खैबर मेल का लाहौर अराइवल सुबह तकरीबन 7:15 है और अवाम एक्सप्रेस शाम को 5:50 पर लाहौर आती है। खैबर मेल एक्सप्रेस में इकोनॉमी क्लास के अलावा एसी स्टैंडर्ड और एसी बिजनेस की कोचेज मौजूद होती हैं, जबकि अवाम एक्सप्रेस में इकोनॉमी क्लास के अलावा पेशावर से लाहौर तक 1 AC स्टैंडर्ड जबकि लाहौर से कराची तक 1 बिजनेस क्लास की कोच लगाई जाती है। दस बजकर 20 मिनट के करीब टूडोंग खैबर मेल एक्सप्रेस पेशावर से लाहौर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। इसी दौरान मेरे दोस्त को उसके वालिद साहब और भाइयों ने गले मिलकर अल्लाह हाफिज़ कहा। आंसुओं से भरी आंखें और उदास चेहरे अल्लाह हाफिज़ कहते हुए हाथ हिला रहे थे। जो कज़न्स आए थे वो भी चलती गाड़ी पर सवार होकर उसे गले मिल रहे थे। एक उदास सी सिचुएशन नज़र आ रही थी, मगर क्या करें, लड़कों की ज़िंदगी की यही हकीकत है कि हसूल रिस्क के लिए घर तो क्या, शहर तो क्या, मुल्क भी छोड़कर जाना पड़ जाता है। कराची पहुंचने के बाद मेरे दोस्त ने कॉल करके बताया कि खैबर मेल में एसी स्टैंडर्ड क्लास का सफ़र काफ़ी पुरसकून रहा। गाड़ी अगले दिन तकरीबन 11 बजे के करीब कराची पहुँच गई थी और वो बआसानी दोपहर 3 बजे अपने मुतलका जगह पर पहुंचकर एग्रीमेंट भी साइन कर चुका था और उसके बाद खैर व आफियत से वो सऊदी अरब भी पहुंच चुका है।
तो इस दौरान जब भी आपको महसूस हो कि कराची और लाहौर के दरमियान ट्रेन सर्विस तखीर का शिकार है, तो सबसे पहले चेक करें कि खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस में बुकिंग अवेलेबल है। अगर आपको उसमें बुकिंग अवेलेबल हो तो उन्हीं दो ट्रेनों को प्रेफर करें और अपने जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की सूरत में इंतज़ार करने वाली परेशानी है उससे बचें। कोयटा से आकर पेशावर जाने के लिए 39 जाफर है।